31 इसका भाई है, ठीक है ना। इसमें मजेदार पॉइंट क्या है, बी, ज्यादातर लोग गलती किसमें करते हैं, बी में। डाउट किसमें आता है, बी में। डिस्कस दोनों ही करेंगे। ए पार्ट, इंक्लूडेड इन ट्रेड पेपर्स वाज बिल्स पेबल व्हिच वाज मेट ऑन मेच्योरिटी। तो बिल्स पेबल मेट ऑन मेच्योरिटी की एंट्री क्या होती है, बीपी टू कैश और बैंक, पेमेंट कर दिया आपने। तो हुआ क्या, बीपी पेमेंट करने से करंट लायबिलिटी गई, पैसे दिए हैं तो उतने से क्विक एसेट्स कम हो जाएंगे। अब ध्यान रखना क्विक रेशियो क्या है, 1:1। तो 3,000 है, दूसरा 50,000 है। तो क्या होता अगर हम सिर्फ फर्स्ट देख के ले लेते तो हम ले लेते चलो 10,000 ले लो, नहीं 50,000 तक की ट्रांजैक्शन है तो 1 लाख ले लो। क्या ले लो, 1 लाख। लेट क्विक एसेट्स बी 1 लाख। इफ क्विक रेशियो इज 1:1, करंट लाइबिलिटीज विल बी 1 लाख। तो क्विक रेशियो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं। कितना, थ्री थाउजेंड, 3,097, 97। तो क्या हो जाएगा, 1:1, देयरफॉर नो चेंज। कोई भी डाउट, क्लियर। सेकंड, डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट ही क्या है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो कॉमन एरर होता है इसमें, क्या कॉमन एरर होता है, कन्वर्जन कब हुई होगी आपके हिसाब से, मेच्योरिटी पे या उससे पहले, जब ड्यू फॉर पेमेंट था, मेच्योरिटी पे ही। कि फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर एक तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मैंने 5 साल का लोन बोरो करा, 10 साल का लोन बोरो करा, 3 साल का लोन बोरो, जो भी है वो टेन्योर खत्म होने के बाद मैंने आपको डिबेंचर्स इशू कर रखे थे, मैंने आपके पैसे देने हैं। मैंने आपको कहा कि एक आइडिया है मेरे पास, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता हूँ, पैसे की जगह मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता हूँ। तो जब कन्वर्जन हो रही है तो इसका मतलब डिबेंचर्स के बदले आपको शेयर्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, पैसे नहीं दे रहा मैं, पैसे लेने पैसे ले लो, हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो शेयर्स में, जो भी है कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया, आपने लेना नहीं लेना वो अलग बात है, बट यहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है, कन्वर्जन। तो डेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी टेक्निकली, बट व्हेन डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर। तो आपने सोचा, क्या सोचा, कि देखो सर एंट्री क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो सर हमें क्या पता कि डिबेंचर्स की एंट्री क्या होती है। जनरल बात करें अगर, तो डिबेंचर्स की पेमेंट हो रही है, तो डिबेंचर्स टू कैश और बैंक की जगह डिबेंचर्स टू हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। सर हमें तो जनरल एंट्री नहीं आती है। कोई बात नहीं, ये तो समझ आ रहा है ना कि डिबेंचर्स कम हो रहे हैं और शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो डिबेंचर्स कम हो रहे हैं और शेयर कैपिटल बढ़ रही है, ये तो बिल्कुल समझ आ रहा है। तो शेयर कैपिटल कहाँ पे आता है, इक्विटी में, यस और नो, इक्विटी, इक्विटी में, शेयर होल्डर्स फंड में, वो तो कोई डाउट नहीं है। डिबेंचर्स, मजेदार पॉइंट है, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कहाँ आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, यस और नो, यस और नो, करेक्ट। बट वो तब आता है व्हेन द डिबेंचर्स आर रीपेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अब जब कन्वर्जन हुई, तो ये ड्यू फॉर रिडेम्पशन थे, तो ये क्या बन चुके होंगे, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या बन चुके होंगे, ये करंट मेच्योरिटीज ऑफ, सुना है ना टर्म, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था तो डिबेंचर्स के बारे में बताया था कि जब डिबेंचर्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 साल का लोन लिया, अब 4 साल हो गए, अब तो 1 साल के अंदर अंदर ड्यू है वो, तो करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाती हैं। कहाँ जाती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो जो सबसे ट्रिकी पार्ट इस क्वेश्चन का, ट्रिकी क्या मतलब ध्यान देने वाली बात थी, डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन आर कैटेगराइज्ड एज
करेंट मैच्योरिटीज, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मोर इंपॉर्टेंटली करेंट लाइबिलिटीज, क्या है वो करेंट लाइबिलिटीज। तो जब ये डिबेंचर्स रिडीम हुए तो क्या अफेक्ट हुआ, करेंट लाइबिलिटीज आपकी उतनी कम हो गई, बात समझ आए। तो क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, क्या लिया था हमने, 1 लाख लिया था अजम्पशन, यस और नो। पेमेंट हुई, पेमेंट हुई या शेयर्स में कन्वर्जन हुई, शेयर्स में कन्वर्जन हुई, तो पैसे तो कहीं गए नहीं, तो पैसे से तो कोई लेना देना है नहीं, बट मेरी लाइबिलिटीज कम हो गई, मेरी क्या करेंट लाइबिलिटीज कम हो गई। तो 1 लाख अपॉन 50, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1, देयरफॉर इम्प्रूव। मजेदार है, इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉमन एरर है कि फर्स्ट टाइम जो भी करता है ना वो फ्लो में डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसी को यही गलती करी ना, कॉमन एरर है।